और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई विवाद में दिवाली बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। सीवीसी को 2 हफ्ते का वक्त दिया है और कहा है कि आप 2 हफ्ते में इस पूरे मामले की जांच पूरी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में 2 हफ्ते में इस पूरे मामले में सीवीसी को जांच करनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एके पटनायक, जिनके नेतृत्व में ये पूरी जांच होगी। तो बड़ी खबर जो लाइव अपडेट के जरिए आपको बता रहे हैं, सीबीआई विवाद में दिवाली के बाद अब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा। अभी फिलहाल सीवीसी को सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का वक्त दिया है, 14 दिन का वक्त दिया है और कहा है कि इस पूरे विवाद में आप 14 दिन का वक्त लीजिए और हल कीजिए इसे। रिटायर्ड जज एके पटनायक जांच की निगरानी करेंगे, इस पूरे मामले की जांच करेंगे रिटायर्ड जज एके पटनायक। इसके अलावा बड़ी खबर आपको बता दें, नागेश्वर नीतिगत फैसले नहीं ले सकते, ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी जी जिन पर कार्यभार एक तरह से सरकार ने सौंपा था नागेश्वर राव, उन पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप कोई नीतिगत फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक, अंतिम फैसले तक नहीं ले सकते सीबीआई के प्रमुख के तौर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, नागेश्वर राव नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। यानी जो जिम्मेदारी सरकार ने नागेश्वर राव को सौंपी थी, फिलहाल वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे क्योंकि वो कोई नीतिगत फैसला सीबीआई के प्रमुख के तौर पर नहीं ले पाएंगे। दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की निगरानी में सीवीसी को 2 हफ्ते का वक्त दिया है और कहा है कि आप इस पूरे मामले की जांच कीजिए। 23 अक्टूबर से अब तक जो फैसले लिए हैं नागेश्वर राव ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सारे फैसले बंद लिफाफे में नागेश्वर राव सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी 23 अक्टूबर वो रात जिस रात पूरा एक्शन हुआ और रातों रात एक तरह से कहा गया कि सीबीआई का तख्ता पलट कर दिया गया, तब से लेकर अब तक जो फैसले लिए गए हैं सब सुप्रीम कोर्ट को सौंपने होंगे नागेश्वर राव को। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।